नूरमा बिल्डर्स के मालिक संजीव मिश्रा के द्वारा डेवलप किया हुआ रंगभूमि मैदान वाली बिल्डिंग के सील होने के बाद अब जिला स्कूल के सामने वाली बिल्डिंग और तनिष्क शोरूम वाली बिल्डिंग की भी जांच करेगी नगर निगम। मुश्किल में संजीव मिश्रा। 19 नवंबर शहर में बॉलीवुड के कलाकारों को बुलाकर रंगारंग कार्यक्रम के साथ साथ छोटे मोटे कार्यक्रम कर रातों रात बहुत तेजी से चमकने वाले पैनोरमा बिल्डर्स के मालिक संजीव मिश्रा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। बताते चले कि दिल्ली में किसी फर्म के नाम काम करने वाला एक मामूली सा आदमी महज 5 वर्षों में देखते ही देखते 1000 करोड़ का मालिक बन गया। पूर्णिया आने के बाद ये कुछ लोगों के साथ मिलकर बैलोरी के पास एक प्रॉपर्टी को डेवलप करने का काम शुरू किया। किन्हीं कारणों से बैलोरी वाली प्रोजेक्ट फेल हो गई। उसके बाद संजीव ने बाईपास रोड में पैनोरमा प्रोजेक्ट बनाया और वो बिक गया, जिसके बाद संजीव मिश्रा पीछे मुड़ कर नहीं देखे। शहर में तरह तरह के कार्यक्रम करवाए, बड़े बड़े नेताओं और अफसरों को बुलाकर अपनी रसूख दिखाने में संजीव मिश्रा कभी पीछे नहीं रहे। इनकी उल्टी गिनती तब शुरू हुई जब जिला पदाधिकारी सुहर्ष भगत और नगर निगम के नगर आयुक्त आरिफ हसन का ध्यान शहर में बन रहे ऊंची ऊंची इमारतों पर गए। इसके बाद नगर आयुक्त आरिफ हसन ने सभी बिल्डिंग की जाँच शुरू की तो कोई तरह की कमियाँ दिखाई पड़ी। उसके बाद नगर निगम ने कई बार नोटिस के जरिए सबको सूचित किया, लेकिन सभी ने नगर निगम के नोटिस को बहुत हल्के में लिया। इसके बाद नगर निगम ने निगरानी वाद चलाकर सभी बिल्डर्स और डेवलपर्स को जुर्माने के साथ कई बिल्डिंग को सील कर दिया। इसी क्रम में रंगभूमि मैदान के पास डेवलपर्स पैनोरमा बिल्डर्स के मालिक संजीव मिश्रा के द्वारा डेवलप की गई बिल्डिंग को भी भारी जुर्माने के साथ सील कर दिया। इसके बाद पैनोरमा डेवलपर्स के मालिक संजीव मिश्रा द्वारा जिला स्कूल के सामने और तनिष्क शोरूम वाली बिल्डिंग को भी नगर निगम ने जांच के दायरे में ले चुका है। इस तरह संजीव मिश्रा द्वारा डेवलप की गई सभी बिल्डिंग की जांच शुरू हो गई है। हालांकि संजीव मिश्रा काफी रसूखदार है, इन सब जांच का इनके ऊपर कितना असर पड़ता है ये तो वक्त ही बताएगा। कानूनी जंग न्यूज के लिए पूर्णिया से ब्यूरो रिपोर्ट।